जाम में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है। अब विधायक अभय सिंह चौटाला ने SYL मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा है और SYL का पानी ना मिलने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है। SYL का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पंजाब में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद इस मामले को और भी हवा मिल गई। विधायक अभय चौटाला ने BJP सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, जिसके कारण ही अभी तक हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिला। बयान देने के सर्वदलीय बैठक बुलाते, बैठक बुला करके सबको लेकर के प्रधानमंत्री से मिल अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर बरसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के नेता कई बयान देते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने SYL नहर निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार बने हुए 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन जनता के काम करने के बजाय सरकार घोटाले करने और उनकी लीपापोती करने में लगी हुई है।